पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से आजम खान खेमे की सपा प्रत्याशी रुचि वीरा और मौजूदा सांसद डॉक्टर एस टी हसन के बीच की रार तो चल ही रही है। अब मुस्लिम इलाकों में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा की जा रही भड़काऊ बयानबाजी भी सामने आने लगी है। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें वो निगम के कांग्रेस पार्षद के इलाके में माइक हाथ में थमाए लोगों को संबोधित करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं। वो कह रही हैं कि ये जो दौर चल रहा है ये कोई मामूली दौर नहीं, आम हालात नहीं है। ये जो हमारे सामने 10 वर्षों से सरकार है इसमें रोज नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, नए नए कानून लाए जा रहे हैं जो हमें जहनी परेशानी तो जरूर दे रहे हैं। और चुनाव 5 साल में एक बार आता है, हम सब सोचते हैं कि हमें क्या करना है और हमारे पास जो वोट का हथियार है, जो संविधान के जरिए हमें मिला है, हम उसका इस्तेमाल करके अपने नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और एक एक सीट को रोकेंगे, तभी तो भाजपा रुकेगी। वरना हालात ये हो गए हैं कि इस मुल्क में सही को सही कहने वाला नहीं रहा। इलेक्शन में आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाए, देख ही रहे हैं कि भी ये दौर चल रहा है, ये कोई मामूली आम हालात नहीं है। पूरी तरीके से जो ये सामने अभी हमारे सरकार है 10 साल से, हम किस किस तरह रोज नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें जहनी परेशानी तो जरूरी दे रहे हैं। तो वक्त है, अब इलेक्शन ऐसी चीज़ होती है 5 साल में एक बार आता है, हम 5 साल दुआ करते हैं और मन बनाते हैं कि इलेक्शन आएगा तो ये अब वो वक्त है जहाँ हम अपने वोट जो एक हथियार है हमारे पास जो संविधान के जरिए हम सबको मिला है, तो हम उसका इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हम अपने नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ एक कांग्रेसी पार्षद की यहाँ खड़ी हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी जी ने बहुत मतलब सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम किया है, प्रियंका गांधी जी ने काम किया है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, ये सब चीजें हैं। तो अब हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम एक एक सीट को रोकेंगे, तभी तो भाजपा रुकेगी, वरना हालात ये हो गए कि सही को सही कहने की हालत में नहीं रहा इस मुल्क में। ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि सही को सही कहने की भी गुंजाइश नहीं रही। तो ये पता नहीं आगे को संविधान बदलने की बात रोज आती है, तो अगर ये फिर काबिज हो गए तो ना मालूम ये क्या क्या करेंगे। तो उसने बहुत संजीदगी से इस इलेक्शन को ले, सवाल रुचि वीरा के जीत हार का नहीं, सवाल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है, इस जो जिस तरह की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का है। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है वोट डालना तो डालेंगे ही, मुझे उम्मीद है कि एक तरफा वोट पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, अपनी परसेंटेज को बढ़ाएं, सामने वाले को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, वो तो हर तरह का हथकंडा अपनाएगा तो हमें बहुत जो है वोट की परसेंट हुई। और अच्छी भी बात यह है कि ईद है तो जो लोग बाहर भी काम करते हैं वो भी ईद पर आएंगे, भाई वोट डाल के ही जाएँ, तो अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाएँ, जिन लोगों को जोड़ सकते हैं उन्हें जोड़ें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।